Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss myotomes and motor points. This lecture is the part of physical agents and electrotherapy 1 lecture series. सबसे पहले हम देखें what is myotome. आपके जो muscles है वो basically supply हो रहा था एक single nerve root से जिसकी innervation होती है. उस single nerve root innervation को आप कहते हैं myotome. बेसिकली क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास स्पेसिफिक नर्व रूट आ रही होती हैं जो कि कंट्रोल कर रही होती हैं आपकी मसल्स को. तो जो नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं मसल को उसको हम कहते हैं मायोटोम. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें मायोटोम की क्या है. जब भी कोई भी इस तरह का पेशेंट है जिसको रेडिक्यूलोपैथी है यानी कि उसका नर्व रेडिएट हो रहा है तो ये आपको पता चल सकता है मायोटोम को असेस करके. तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मायोटोम्स जब भी कोई पेशेंट ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आ रहा है. आपको मायोटोम के ज़रिए मसल स्ट्रेंथ भी पता चल सकती है और ये भी पता चल सकता है कि नर्व रूट का कौन सा लेवल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है. इससे फिर आपके लिए ट्रीटमेंट में आसानी मिलती है और मसल वीकनेस प्रॉपर पता चल सकती है किस पर्टिकुलर ग्रुप की है जो कि इंडिकेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के नर्व रूट का लीजन एग्जैक्ट. या आइदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन तो नहीं हुई हुई तो मसला क्या है क्या नहीं है आपको मायोटोम के ज़रिए बहुत अच्छे से पता चल सकता है. आपको मायोटोम अच्छे से आने चाहिए उसकी बेसिस पे आप बहुत अच्छे से असेसमेंट कर सकते हैं. अगर आप देखें जो आपके सर्वाइकल नर्व्स हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं आपकी नेक को और अपर लिम्ब को और इसी तरह आपकी जो लंबर की नर्व हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं आपके लोअर लिम्ब को. इसमें वन बाय वन हम करके देखें तो C1 जैसे सर्वाइकल फर्स्ट नर्व है तो आपकी अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन आप गर्दन नीचे करते हैं उसको जो सब मूवमेंट हो रही होती है वो C1 मायोटोम करवा रहा है. इसी तरह C2 मायोटोम सर्वाइकल एक्सटेंशन और साथ साथ नेक रोटेशन भी करवाता है. C3 को देखें तो C3 सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्शन करवा रहा होता है. जो आप गर्दन साइड पे लेके जाते हैं लैटरल फ्लेक्शन वो C3 मायोटोम करवाता है. C4 देखें तो शोल्डर की मूवमेंट जिसमें शोल्डर श्रग करते हैं अपर ट्रापीजिस वाली मूवमेंट C4 मायोटोम करवाता है. C5 देखें तो शोल्डर अबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. अगर आप जब शोल्डर को अबडक्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हैं एक साथ C5 मायोटोम की वजह से. C6 को देखें तो वो आपकी एल्बो को फ्लेक्शन करवाता है साथ साथ रिस्ट की एक्सटेंशन. और C7 में देखें तो उसमें एल्बो एक्सटेंशन है और रिस्ट फ्लेक्शन है. तो C6 और C7 अपोजिट है. एक में एल्बो फ्लेक्स हो रही है दूसरे में एल्बो एक्सटेंड हो रही है. एक में रिस्ट एक्सटेंड हो रही है दूसरे में रिस्ट फ्लेक्स हो रही है. इसी तरह C8 मायोटोम को देखें थंब की एक्सटेंशन एंड अल्नर डेविएशन करवाता है. T1 मायोटोम को देखें फिंगर की अडक्शन एंड अबडक्शन करवाता है. L1 को देखें तो हिप फ्लेक्शन होती है. L2 हिप फ्लेक्शन के साथ साथ अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन भी करवाता है. L3 को देखें तो आपकी जो नी की एक्सटेंशन है जो लेग की एक्सटेंशन होती है L3 करवा रहा होता है. L4 को देखें तो डॉर्सी फ्लेक्शन करवाता है फुट की. L5 को देखें तो जो आपका बिग टो है उसकी एक्सटेंशन करवाता है. S1 में एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होती है और इवर्जन हो रही होती है साथ साथ नी फ्लेक्शन भी होती है. C2 को देखें एंकल प्लांटर फ्लेक्शन है और नी की फ्लेक्शन है. और C3 में आप देखें तो कोई मायोटोम कोई मूवमेंट नहीं करवा रहा होता. ये बेसिक मायोटोम्स हैं जिसमें आपके नेक के हैं अपर लिम्ब के हैं लोअर लिम्ब के हैं ये आपको आने चाहिए. न्यूरो एग्जामिनेशन में भी काम आते हैं. अब हम देखते हैं मोटर पॉइंट्स. बेसिकली मोटर पॉइंट्स अगर हम देखें क्या होता है आपका जो मसल होता है उसका वो एरिया जहाँ पे मोटर नर्व एंटर हो रही होती है उसको हम कहते हैं मोटर पॉइंट्स. अगर हम इसकी क्लिनिकल डेफिनेशन देखें तो आपकी जो स्किन का स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ से मोटर नर्व एंटर हो रही होती है अगर आप वहाँ पे उस एरिया को टारगेट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोथेरेपी आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोथेरेपी में जब भी आप करंट अप्लाई करते हैं उस मसल पे जहाँ से मोटर नर्व एंटर हो रही होती है वो उसमें आप कम से कम ड्यूरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं. तो स्किन का वो एरिया जहाँ पे कम से कम करंट के
ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें उसको हम मोटर पॉइंट कहते हैं। ये क्लिनिकल डेफिनेशन है, और एनाटॉमिकल डेफिनेशन वो है जहाँ से मोटर नर्व एंटर हो रही होती है उसको हम कहते हैं मोटर पॉइंट। तो हर मसल का अपना मोटर पॉइंट होता है। आपको बेनिफिट इस लिहाज से कि जब भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी में किसी भी पेशेंट पे करंट अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मोटर पॉइंट पे इलेक्ट्रोड्स रखेंगे तो आपको कम से कम एम्पलीट्यूड पे ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, और इसी के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। तो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिहाज से बहुत बेनिफिशियल है ये बात। हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? पेन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, मसल स्पैज़म के लिए, हीलिंग के लिए, स्किन की, बोन्स की, मसल एट्रॉफी के लिए, और मेडिकेशन को स्किन के ज़रिए बॉडी में एंडोफोरोसिस के ज़रिए डिलीवर करने के ज़रिए। तो इसमें जो भी आपको रिजल्ट्स चाहिए होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के लिए ज़रिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके इलेक्ट्रोड को अगर मोटर पॉइंट पे रखेंगे तो आपको ये जो फ़ायदे बेनिफिट्स आपको जो पेशेंट पे चाहिए वो आपको डबल ट्रिपल या ज़्यादा आसानी से मिल पाएंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो हर मसल जो होता है उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसी वजह से उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको अच्छे से मिल सकती है। तो जब भी आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी मसल्स को न्यू एक्शन सिखाने के लिए या मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल एक्सरसाइज के लिए, और डिसयूज एट्रॉफी के लिए, या मसल री एजुकेशन के लिए, या पार्शली डिनोवेटेड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो आप मोटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे और रिलायबल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मोटर पॉइंट्स की लोकेशन की। तो मोटर पॉइंट्स, हर मसल का अपना अपना मोटर पॉइंट होता है, और हर इंसान में अलग अलग एरिया में मोटर पॉइंट होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे बाइसेप पे जहाँ मोटर पॉइंट है दूसरे इंसान का भी सेम वहीं पे बाइसेप्स का मोटर पॉइंट हो। तो मोटर पॉइंट्स बेसिकली मसल्स का जो फ्लैशी बेली वाला पार्ट होता है अपन मिडल 1/3 के जंक्शन पे मोस्ट प्रोबेबली मिल रहे होते हैं। अदरवाइज एक और तरीका है, आप पेशेंट को बोलें आपको जो भी फंक्शन है मसल्स का उसकी मूवमेंट करवाएं जहाँ पे आपको मसल बेली वाला फ्लैशी वाला पार्ट होता है, जहाँ मसल्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा होता है, वहाँ पे आप हाथ रखें, और जैसे आप हाथ रखेंगे और मूवमेंट करवाएं, मूवमेंट करवाने पे जिस एरिया पे आपको ज़्यादा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है यही उस पेशेंट का पर्सन का मोटर पॉइंट है। जो डीप मसल्स होते हैं उनकी मोटर पॉइंट असिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नर्व्स के भी मोटर पॉइंट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, फेशियल नर्व के मोटर पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ फेशियल नर्व जा रही होती है उसके अपने मोटर पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्व्स के अपने मोटर पॉइंट्स होते हैं। ये फेस के मोटर पॉइंट्स हैं जहाँ पे मसल्स में मोटर नर्व एंटर कर रही होती है। इसी तरह मोटर पॉइंट्स ऑफ बैक हैं, बैक के एरिया में जो मोटर पॉइंट्स होते हैं वो ही आपको अलग अलग मसल्स के नज़र आ रहे हैं, सुप्रास्पाइनेटस के, सेरेटस इंटीरियर के, लैटिसिमस डॉर्साई के। इसी तरह ये पूरे अपर एक्सट्रीमिटी के इंटीरियर व्यू के मोटर पॉइंट्स हैं, और ये आप देख सकते हैं ये पोस्टीरियर स्पेक्ट्स ऑफ अपर लैम्ब है। ये देखें, ये इंटीरियर स्पेक्ट्स है अपर राइट आर्म का, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है राइट आर्म का। उसमें आप मोटर पॉइंट्स देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के हैं। अगर आपको मसल्स की ओरिजिन इंसर्जन अच्छे से आती होगी तो आप आराम से मोटर पॉइंट्स भी देख सकते हैं। पोस्टीरियर ट्रंक के मोटर पॉइंट्स हैं ये, और ये लोअर एक्सट्रीमिटी के हैं। इंटीरियर व्यू है ये, और ये पोस्टीरियर व्यू है। बेसिक आपको ये इतना पता होना चाहिए कि हर मसल के अगर आपको ओरिजिन इंसर्जन याद है तो आप बहुत आसानी से, या मसल्स का नाम और फंक्शन याद है तो आप बहुत आसानी से मोटर पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। एंटीरियर थाई के हैं मोटर पॉइंट्स, और ये इंटीरियर लेग के हैं। इसी तरह ये पोस्टीरियर थाई के मोटर पॉइंट्स हैं, और ये पोस्टीरियर लेग के, पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ लेग के मोटर पॉइंट्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रीड एनी टॉपिक यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।